अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे विंटर स्पेशल हरी प्याज से भेजे फ्राई। ये बहुत ही मज़े की बनती है और मुझे पता है आप में से किसी ने भी इस तरह से ट्राई नहीं किया होगा और ये रेसिपी आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगी। तो मेरे तरीके से एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपने तरीके से आप लोग खाए होंगे तो मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक कॉमेंट में ज़रूर दीजिएगा। सच में बहुत ही मज़े की ये बनती है। तो प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। लाइक नहीं करते हैं आप लोग, पता नहीं क्यों लाइक करना भूल जाते हैं। लाइक तो फ्री है फिर भी लाइक नहीं करते हैं आप, तो ज़रूर लाइक किया कीजिएगा। और जो न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने भेजा लिया है और इसका जो है नाश है तो हम उसे अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। भेजा को अच्छी तरह से आसानी से ये साफ़ हो जाता है, तो मैंने दिखा दिया किस तरह से साफ़ करते हैं। और यहाँ पर मैंने हरी प्याज लिया है, उसे भी मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और अभी हम इसे मोटे मोटे साइज़ में काट लेंगे हरी प्याज को। तो यहाँ पर आप प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादा डालेंगे तो आप स्पाइसी भी यहाँ पर ज़्यादा डालिएगा, नहीं तो प्याज तो आप लोगों को मालूम ही है मीठापन हो जाता है, तो उस हिसाब से आप तीखा डालिएगा। तो प्याज यहाँ पर मैंने काट लिया है, अभी हम यहाँ पर एक प्लेट में प्याज को रख देंगे। और उसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है दो मीडियम साइज की प्याज लिया है, इसे भी हम हल्का मोटे मोटे साइज में काटेंगे। और ये प्याज भी आपको डालना ज़रूरी है क्योंकि हम भेजा को फ्राई करेंगे तो प्याज हमें इस तरह से डालना ज़रूरी है। तो प्याज को भी मैंने इस तरह से काट लिया है और यहाँ पर मैंने तीखा डाल दी हूँ। मैं अपने हिसाब से तीखा डालेंगे हम यहाँ पर, मैं तीन हरी मिर्ची लिया है, आप अपने हिसाब से डालिएगा। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में सरसों का तेल लिया है और आपने आप जो तेल खाना पसंद करते हैं आप वही तेल ले लीजिएगा। और तेल को गर्म करने के बाद प्याज को हम गोल्डन कलर होने तक फ्राई करेंगे, यानी कि गुलाबी कलर हो जाएगा तो प्याज हमारी देखिए फ्राई हो चुका है। अभी यहाँ पर हम डालेंगे एक खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे भी हम भून लेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है ये ख़त्म हो जाए। इस तरह से हमें भून लेना है। इसके बाद हरी मिर्ची डाल लेंगे और इसे भी हम मिक्स करते हुए भून लेंगे, एक से दो सेकंड के लिए भून लेंगे ताकि इसका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसके बाद हम यहाँ पर भेजा डालेंगे। भेजा डालने के बाद हमें भूनना है, इसे पानी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पर जिस तरह से हम अंडे का भुर्जी बनाते हैं एकदम अलग कर देते हैं चम्मच की मदद से उसे तोड़ देते हैं, इसी तरह से हमें भेजा को तोड़ देना है। यकीन मानिए बहुत ही मज़े की बनती है, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हम तो हमेशा इसी तरह से बनाते हैं, ठंडी का मौसम चल रहा है तो हरे प्याज हरे लहसुन से इस तरह से भेजा ज़रूर बनाया कीजिएगा। इसे तोड़ने के बाद हम आधी चाय का चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, आधी चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नमक डालेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक और इसे हम मिक्स करते हुए अच्छी तरह से भून लेंगे। दो से तीन मिनट के लिए इसे हम भून लेंगे मीडियम आंच पे और इसको हम एकदम ड्राई कर लेंगे इसमें जो भी पानी वगैरह है। उसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे हरा प्याज बारीक कटा हुआ और इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स करते हुए भूनेंगे। पानी बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करेंगे, जो प्याज में पानी है उसी पानी से प्याज हमारे गल जाएंगे और अच्छी तरह से ये हमारी भून भी जाएगा और रेडी भी हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको दो से तीन मिनट के लिए भून लेना है। गैस की फ्लेम को मीडियम करके या फिर आँच तेज करके या फिर लो करके आप खड़े होकर आपको भूनना है, ठीक है। इस तरह से हमने इसको भून के रेडी कर लिया है। तो माशाल्लाह से देखिए हमारी ये बहुत ही मज़े का बना है। तो अभी हम इसे सॉफ कर लेंगे, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा गरम रोटी के साथ, चावलों के साथ। यहाँ पर मैंने हरा प्याज डाल के गेहूँ के आटा से मैंने पराठा बनाया है, तो बहुत ही मज़े का ये बना था और एक दफ़ा ज़रूर आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और मुझे आपकी फीडबैक कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। यकीन मानिए जब तक ट्राई नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा इतना टेस्टी बना था ये, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, मेरे वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो फिर आते हैं नए रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। खुश रहे, आबाद रहे, दुआ में याद रखिए।